केंद्र सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी को 27% 27% और आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट्स को 10% 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये फैसला 2021-22 के सेशन से लागू होगा। हर साल ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत एमबीबीएस, एमएस, बीडीएस, एमडीएस, डेंटल, मेडिकल और डिप्लोमा में 5,550 कैंडिडेट्स को इसका फायदा मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में पिछड़े और कमजोर आय वर्ग के उत्थान के लिए, उनके एलिवेशन के लिए उन्हें आरक्षण देने के लिए सरकार कमिटेड है, प्रतिबद्ध है। बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 12 जुलाई को नीट 2021 की तारीख का ऐलान करते हुए बताया था कि इस बार भी ये परीक्षा ओबीसी वर्ग को बिना आरक्षण दिए ही होगी। इस बयान के बाद ही कई छात्र संगठनों ने देशव्यापी आंदोलन की धमकी दी थी और अपनी नाराजगी जताई थी। इसके साथ ही कई राजनीतिक दलों ने भी आरक्षण की मांग पुरजोर तरीके से उठाई थी। उसी कॉन्टेक्स्ट में माना जा रहा है कि ये निर्णय देखा जा रहा है, इसको उसी के रोशनी में, उसी के प्रेशर में भी आप कह सकते हैं।